नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े मोची मोहल्ले में। आपको बताए प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है प्राइमरी, और यहाँ एक हादसा होता तो टला है। आपको बता दें कि स्कूल की लंटर की छत है, उसका मलबा नीचे गिर चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मलबा नीचे गिर चुका है और रात का समय बताया जा रहा है, रात के समय गिरा है। अगर दिन के समय, स्कूल टाइमिंग के समय अगर ये लंटर का मलबा नीचे गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस स्कूल में करीब सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं हर रोज, और ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में हो चुकी है। ये तस्वीर देख सकते हैं लंटर का, जो मलबा किस प्रकार नीचे गिरा है और गिरे हैं लोदे ऊपर से, यानी कि मलबा गिरा ऊपर से मोटा मोटा है। किसी के लग भी जाए तो खोपड़ा दो खुल सकते हैं, सिर के दो हिस्से हो सकते हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस जगह जहां हम खड़े हैं यहाँ फोर्थ क्लास लगती है और मलबा गिरे रात के समय। दिन के समय अगर ये लंटर का मलबा गिरता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अनहोनी होती होती टली है। ये तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो भी अपडेट होती है आप तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। और ये आपको यही बता दें कि इस संबंध में हमारी स्कूल के इंचार्ज से भी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा महकमे को हम लिख कर दे चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक इस मामले में सुनाई नहीं हुई है। और लगातार बिल्डिंग पूरी तरह से झज्जर हो चुकी है, लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और बहुत बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी अगर दिन के समय अगर ये लंटर का मलबा गिरता तो। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। ये शनिवार रात को तो कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? 123 बच्चे पढ़ते हैं, और शनिवार रात जैसे सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी, तो शनिवार रात को हमारा एजुसेट चौकीदार है, यही सोता है स्कूल में, उसने हमें सूचना दी सुबह, तो हम यहाँ देखने के लिए आए, लेकिन हमारे देखते देखते ही फिर यहाँ लेंटर का एक टुकड़ा गिरा है। तो महकमे को शिकायत दे चुके आप? हाँ जी, दो बार सूचना कर चुके हैं महकमे को, उन्होंने फाइल मांगी थी हमारे से, हमने तैयार करके भेज दी थी पूरी फाइल, उसके बाद लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है अभी आगे की कार्रवाई के लिए। तो क्या नाम आपका? शकुंतला। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र एलावदी, जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जो स्कूल की छत का जो लंटर है इसके हिस्सा गिरा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता तो टला है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। लंटर का छत का हिस्सा गिरा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते तो टला है, ऐसा ही है। छुट्टी वाले दिन रात को, शनिवार को हुआ है, जो आज से दो दिन पहले, और संभाल लिया गया है। अब वहाँ बच्चे नहीं बैठे हैं, उस कमरे में पहले भी बच्चे नहीं बैठते थे, इसमें नहीं, कहाँ गए? चौथी क्लास के बच्चे वहाँ बैठते थे। नहीं, उसमें मैंने तो कार्यालय ही देखा है, वहाँ पे कार्यालय के पीछे भी है जी, साइड में हो सकता होंगे, लेकिन ये मामला सारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है, और अब हम बिल्डिंग को शिफ्ट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। सुबह से हमने अपने ऑफिस का काम नहीं संभाला, इसी काम में लगे हुए हैं। आज के समय भी बच्चे उन्हीं स्कूल में बैठे हैं, 120 के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं। वहाँ व्यवस्था ही इतनी है उस जगह पे, हम उसमें क्या कर सकते हैं, जगह 200 गज की बिल्डिंग है, बाकी व्यवस्था कोई पब्लिक की तरफ से या कोई सरकार की तरफ से जब आएगी तो कर दी जाएगी। उसमें मौके के अधिकारी हो आप, आपका फर्ज बनता है कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का। हाँ, तो शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग के लिए मैं अभी PCSD स्कूल में बैठा हूँ, इसकी मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, तो यहीं शिफ्ट करने का इरादा है, यहीं करवा देंगे। तो इसके बारे में आपने महकमे से भी बात की है? हाँ जी, मैंने अपने DO साहब को और SDM साहब को दोनों को बता दिया है। ये थे खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र एलावती, ने साफ तौर पर कहा कि महकमे के जो आला अधिकारी को बता दिया गया है, SDM हासी को सूचित कर दिया गया है, स्कूल को शिफ्ट करने की तैयारी है। ये आपको तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर दिखाने काम कर रहे हैं। लगातार कोई बड़ा हादसा हो सकता था रात के समय, जो स्कूल की बिल्डिंग का लंटर का एक हिस्सा नीचे गिरा है, अगर दिन के समय अगर ये हिस्सा गिरता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।